इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र में दोपहर के समय क्राइम ब्रांच और दो निगरानी शुदा बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस का कहना है कि पहली गोली बदमाशों ने चलाई, जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी, जिन्हें घायल अवस्था में MYH अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के अनुसार इमरान उर्फ इम्मू निवासी चंदन नगर और उसके साथी अकरम उर्फ अक्कू को देर रात में सेंट्रल कोतवाली के सामने क्राइम ब्रांच के थाने पर पूछताछ के लिए लाया गया। दोपहर में मौका मिलते ही दोनों ने थाने से भागने का प्रयास किया। दोनों को थाने से थोड़ी दूर पर पत्थर गोदाम इलाके में क्राइम ब्रांच ने चारों ओर से घेर लिया। उन्हें जब सरेंडर करने के लिए कहा गया तो बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायर कर दिया। इसके जवाब में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें दोनों को पैरों में गोली लगी है। वहीं इमू के बारे में बताया जाता है कि वो चंदन नगर इलाके का हिस्ट्री सीटर बदमाश है। अवैध वसूली, लूट, फायरिंग, डकैती की योजना, मारपीट, अड़ीबाजी के उसके खिलाफ कई पुराने मामले दर्ज हैं। वहीं अकरम भी पुराना बदमाश बताया जा रहा है। डीआईजी राजेश हिंगणकर ने बताया कि दोनों चंदननगर और रावजी बाजार के नामी बदमाश हैं। दोनों को ही पूछताछ और डोजियर के लिए थाने लाया गया था। दोनों ही आरोपियों पर 61 से अधिक अपराध है, जिनमें 5 मामले 307 के हैं। दोनों पर 4 बार रासुका की कार्रवाई भी की जा चुकी है। वहीं पुलिस दोपहर में 11:30 से 12 के बीच इनका भागना बता रही है। हालांकि पुलिस की थ्योरी सवालों के घेरे में है। एक आरोपी इमू की बहन शबाना ने पुलिस पर इनकाउंटर का सवाल उठाया है। बहन का कहना था कि 12 बजे थाने में वो मिलकर आई थी। बहन का आरोप है कि पुलिस वाले पिस्टल रखने की बात कर रहे थे और अन्य आरोपियों को पकड़वाने की बात कर रहे थे। शबाना ने कहा कि पुलिस उसे 3 दिन पहले घर से उठा कर ले गई थी। पुलिस ने इमरान से कहा था कि वो पुलिस का काम नहीं किया। वहीं थाने में बंद करके उसके साथ मारपीट की गई। उसने पुलिस का काम करने से मना कर दिया था। मच कुछ ही दूरी पर है तो क्या लगता है इतनी देर में उन्हें पिस्टल बहुत जल्दी अवेलेबल हो गई? क्या पूरा प्लान था उनका या थाने से किस तरह से भागे वह समय निश्चित था? आदमी जो भी है, अपराधी जो रहता है, वो अपने आत्मरक्षा का भी सोचता है। आत्मरक्षा में कहीं ना कहीं उसको हथियार रास्ते में मिले हैं, वो जांच का विषय है। वो हम लोग पता कर रहे हैं कहाँ से मिले हैं। कितने राउंड फायर हुआ और कितने घायल हैं पता कर रहे हैं? अभी तो मुझे 3 राउंड मिले हैं स्पॉट पे, ब्लड वगैरह भी पड़ा हुआ है और जानकारी हम लोग निकाल रहे हैं।